मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे जो लड़की पसंद है जिसका नाम है जेड इसके बारे में बोल रहा था। वो कहता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की थी पर बहुत अकेली। एक दो साल पहले उसके ब्रदर की डेथ हो गई थी तो उसके बाद वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। डेविड जेड को बहुत लाइक करता है पर उसके स्कूल के सारे ईयर्स चले गए, उसने उससे कोई भी बात ही नहीं की। वो राइट मोमेंट का वेट करता रहा। डेविड को जेड की फीलिंग्स के बारे में अब तक कोई भी आइडिया नहीं है। उसके फ्रेंड ने उसे कहा कि तुम्हारी रीच से ज़रा दूर है। इसके बाद जेड को हम उसके दूसरे ब्रदर के साथ देखते हैं। ये सब मिलकर फैमिली फोटो ले रहे थे। जेड के ब्रदर ने उसे समझाया कि जो गलती तुमने स्कूल में की ये गलती कॉलेज में मत करना, मतलब ज़रा फ्रेंड बनाना, घुल मिल कर रहना। अगर हमारा ब्रदर जिंदा होता तो वो भी चाहता तुम अपनी लाइफ कंटिन्यू करो। डेविड के फादर भी उसके पास आए। उनका बेटा हाई स्कूल ग्रेजुएट हो गया तो बहुत ज़्यादा खुश थे। डेविड के फ्रेंड ने कहा कि डेविड को जेड पसंद है। फादर को जेड अच्छी लगी। डेविड को जेड नोटिस करे तो फादर जेड का नाम लेने लग गए। उन्होंने कहा कि डेविड अब ग्रेजुएट हो चुका है। डेविड उन्हें रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड और उसका फ्रेंड एक होटल में समर जॉब कर रहे थे। उन्हें गाड़ी पार्किंग वगैरह ये सब चीज़ें करनी होती है। यहीं पर ग्रेजुएशन का सेलिब्रेट करने के लिए जेड और उसकी फैमिली आई। उसके हाथों से कुछ बुक्स गिर गए थे तो डेविड ने उसे उठाने में हेल्प की। डेविड कहता है तुम जेड हो, हम दोनों एक ही स्कूल में थे। जेड ने भी उसे पहचान लिया। जेड के पास उसका ईयरबुक है पर उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं तो किसी ने भी साइन नहीं किया था। वो डेविड से पूछ लेती है। डेविड भी हंसी खुशी कर देता है। लंच पर हम देखते हैं कि जेड के फादर जिनका नाम है ह्यूज ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ये सब लोगों को अपने ऑर्डर में ही रखना चाहते थे। जेड के ब्रदर कीथ को ये सही नहीं लगता। वैसे भी वो अपने स्कूल में इतना अच्छा नहीं है तो उसके फादर उसे ज़्यादा अटेंशन देते नहीं। फादर जो भी कहते हैं वही चीज़ जेड हमेशा करती रहती है। वो डॉक्टर है तो वो भी डॉक्टर बनने वाली थी। जूड की मदर एन उस पर बहुत खुश थी तो पूछती है क्या तुम्हें कुछ गिफ्ट चाहिए। जेड ने नीचे डेविड को देखा और उसे एक आइडिया आया। अगर वो सब क्लास को अपने घर पर पार्टी में बुलाएगी तो डेविड से वो फिर से मिल सकती है। यही पार्टी प्लानिंग करना उनसे मांग लेती है। फादर को अजीब लगा पर फिर भी इसके लिए वो मान जाते हैं। फिर वो नीचे आई। डेविड को भी इस पार्टी में उसने इन्वाइट कर लिया। डेविड को ये इन्वाइट बहुत अच्छा लगा। यही ये दोनों बात कर रहे थे तब एक अमीर लड़का वहाँ आया। वो गाड़ी पार्क करने के लिए डेविड के फ्रेंड के हाथ में चाबी भी नहीं देता, डायरेक्टली नीचे गिरा देता है। डेविड के फ्रेंड को इस पर गुस्सा आ गया। वो कहता है अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कार में पार्क करो तो मुझे सही से दो। ये लड़का फिर भी गाड़ी की चाबी नीचे फेंक कर चला जाता है। डेविड का फ्रेंड बहुत ही गुस्सा हो गया था पर डेविड उसे रोक लेता है। उस लड़के को सबक सिखाने के लिए डेविड और उसका फ्रेंड इस गाड़ी में एक बड़ी राइड लेने वाले थे। जेड भी ये सब देख रही थी तो डेविड कहता है कि तुम ही हमारे साथ चलो। वो जरा कतरा रही थी पर इनके फोर्स करने से उनके साथ आ गए। ये सब मिलकर इस राइड को बहुत एंजॉय करते हैं। जेड को भी ये बहुत अच्छा लगा था। ये जब वापस आए तो सेज लड़के ने तमाशा खड़ा कर दिया था। वो गुस्सा था कि गाड़ी में बर्गर खा रहे थे। सब लोग इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं पर उस लड़के ने कहा कि जेड तुम्हारे साथ इंटीमेट हो इसीलिए तुमने ये सब किया। इस बात पर डेविड गुस्सा हो जाता है, उसने उसे जोर से पंच किया। ये सब बात जेड के फादर ने भी देख ली। डेविड और उसके फ्रेंड का जॉब चला गया पर वैसे भी इन दोनों को उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। डेविड के फादर को यह सब जब पता चला तो कहते हैं कि ज़रा केयरफुल रहो, क्या तुमने ये सब उस लड़की के लिए किया था। डेविड इसके लिए हाँ कहता है। इसके बाद जेड की पार्टी का दिन आया। इस पार्टी में जेड के फादर के ही फ्रेंड आए हुए थे। जेड का यहाँ कोई भी नहीं था। जेड अपने फादर को ढूंढने के लिए जाते हैं पर उसके ब्रदर के रूम में वो सोए हुए थे। जो ब्रदर उसका चल बसा उसे याद कर रहे थे। आज पार्टी में जाने के लिए एक्साइटेड है। उसके फादर ने अपनी वेडिंग में जो कोट पहना था यही कोट डेविड ने पहना है। फादर कहते हैं ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, वो उस पर बहुत प्राउड थे। इसके बाद थोड़ी देर में डेविड पार्टी में पहुंच जाता है। जेड एम्बेरस थे क्योंकि इस पार्टी में उसके फादर के सब फ्रेंड्स आए हुए हैं, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं आया। डेविड कहता है कि वरी मत करो, एक जगह पर दूसरी पार्टी थी तो इसी वजह से सब लोग वहाँ पर गए हुए थे। डेविड ने पुलिस को कॉल कर दिया, कहा कि मेरे नेबर में बहुत सारे लड़के शोर शराबा कर रहे हैं। पुलिस वहाँ पर गए, उस पार्टी को बंद कर दिया और उसी वजह से सब लोग जेड की पार्टी में आ गए। सब लोगों के साथ डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड भी पहुँच गई थी। उसे पता था कि जेड ने यह सब करवाया, उसे इग्नोर कर देता है। पार्टी में इतने सारे लोग आना ये जेड के फादर को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद सारे मिलकर एंजॉय कर रहे थे। कीथ ने सबसे कहा कि हम सब मिलकर एक गेम खेलेंगे, हर कपल को एक डांस कोरियोग्राफ करना पड़ेगा। इसी डांस की प्रैक्टिस के लिए डेविड और जेड बाहर आए। जेड कहती है हमारा सॉन्ग बहुत ही रोमांटिक है, हमें बड़ी बड़ी मूव्स करनी पड़ेगी। यही प्रैक्टिस करते हुए जेड और डेविड पास आ गए थे। इन दोनों ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। डेविड यहाँ पर एक ओल्ड कार नोटिस करता है। जेड ने उसे बताया कि उसके ब्रदर की थी, इसे उसकी मदर स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है पर कर नहीं पाती है। इसके बाद ये दोनों फिर से पार्टी में आए। इन दोनों ने बहुत ही ब्यूटीफुल सा डांस किया पर तभी अचानक से लाइट चले गए। एक दूसरे का हाथ पकड़ कर एक क्लोजेट में आ जाते हैं, किस करने लग गए। फादर कहीं भी जेड को ढूंढ नहीं पा रहे थे तो उन्होंने उसे कॉल किया। फिर जेड और डेविड क्लोजेट से बाहर आए तो ह्यूज को बहुत ही अजीब लगता है।
पार्टी के बाद ह्यूज और डेविड बात करते हैं। ह्यूज ने कहा कि आज जो भी हुआ उसे अच्छा नहीं लगा। डेविड ने कहा कि आपकी बेटी बहुत ही अमेजिंग है, मैं सिर्फ उसे खुश करना चाहता था। ये सब जेड अंदर से सुनती है, उसे बहुत अच्छा लगा। फादर के घर में जाने के बाद जेड डेविड के पास बाहर आके ये दोनों किस कर लेते हैं। अगले दिन फादर ने जेड से कहा, तुम्हें एक इंटर्नशिप मिल चुकी है। ये इंटर्नशिप जेड को कॉलेज में जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी बाहर से गाड़ी का आवाज़ आया। जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी ये डेविड ने स्टार्ट कर दी है। पूरी फैमिली उसे इंप्रेस्ड हो गई थी, पर ह्यूज को अभी भी डेविड सही नहीं लगता। जेड की मदर एन ने कहा, डेविड को हमारे साथ आज डिनर करना चाहिए। फादर को उसने फोर्स किया तो फादर भी मान जाते हैं। डिनर पर ह्यू जेड के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। वो कहा कॉलेज पर जाएगी, क्या करेगी। यही बात वो डेविड से पूछते हैं, तुम अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। डेविड कहता है कि मैं कॉलेज में नहीं जाने वाला, वो अपने फादर के गैराज में ही काम करना चाहता है। उन्हें लगा कि शायद डेविड के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं आए, पर उसके स्कोर बहुत ही ज़बरदस्त है, पर फिर भी उसे एक नॉर्मल लाइफ जीना अच्छा लगता है। वो कहता है, मेरी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक प्यार करने वाली लड़की मुझे चाहिए। ह्यू ने कहा, सिर्फ प्यार से कुछ भी नहीं होता, प्यार के साथ ही तुम्हें पैसे भी चाहिए। डेविड कहता है कि आपको नीड होती है, पर फिर भी प्यार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपनी मदर और फादर के बीच में वही प्यार उसने देखा था, और अपने लिए भी उसे वही चाहिए। जेड की मदर को ये सब बातें बहुत अच्छी लगी। वो कहती है, ह्यू भी पहले ऐसा ही था, अपने यंग एज में उनकी जोड़ी भी बहुत ही परफेक्ट थी। डेविड जब घर से जा रहा था तो जेड उसे बाहर से कहती है कि सब सो जाने के बाद फिर से वापस आ जाना। वो बिना आवाज़ करे घर में आ जाता है। आज रात जेड और ह्यू ये दोनों इंटीमेट हो गए। सुबह होने पर जेड डेविड को अपना घर दिखा रही थी, अपने ब्रदर की उसने फोटो उसे दिखाए। डेविड कहता है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। जेड ने कहा, मेरे ब्रदर के गुजर जाने के बाद फादर ने हमारी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाला। डेविड को ये बात सच नहीं लगती। नेक्स्ट सीन में जब जेड ह्यू के साथ थे तो उन्होंने कहा, डेविड को पता होना चाहिए ये जो तुम्हारा अफेयर है सिर्फ 2-3 हफ्ते ही चलने वाला है। नेक्स्ट सीन में इसके बारे में डेविड को बता देती है। डेविड कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास जितना टाइम है इसे हम बहुत ही अच्छे से स्पेंड करेंगे, ये उसकी लाइफ के सबसे बेस्ट वीक्स होंगे। इसके बाद इन दोनों ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, अलग अलग जगह पर घूमे, कंसर्ट्स पर गए। अब इनका पूरा टाइम खत्म हो चुका था। जेड जाना नहीं चाहती थी। वो डेविड से कहती है, मुझसे कहो कि प्लीज़ जाओ मत। डेविड कहता है कि मत जाना। इस बात पर ये दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए। रात में घर आकर जेड अपने फादर को बता देती है कि वो इंटर्नशिप में नहीं जाना चाहती है। फादर इस पर गुस्सा हो गए। उन्हें पता था कि ये सब डेविड की वजह से है और डेविड उसके लिए बहुत ही गलत है। वो इस पर बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गए। फादर को किसी भी तरीके से जेड को डेविड से दूर करना था, तो उन्होंने एक वैकेशन प्लान किया। कल सुबह उसे सब बैग्स वगैरह पैक करने के लिए कहते हैं। जेड को ये सब सही नहीं लगता, पर फिर भी फादर की बात उसे माननी पड़ती है। उसने फिर डेविड को कॉल कर ये वैकेशन के लिए बुला लिया। फादर इस पर गुस्सा हो जाते हैं। उन्होंने कहा, ये फैमिली ट्रिप थी। जेड को उसके मदर ने सपोर्ट किया। मदर कहती है कि वो हमारा गेस्ट है, मुझे इस तरीके से नहीं निकाल सकते। जेड भी अब बहुत खुश थी। जेड की मदर ने ह्यू को समझाया कि उसे भी लाइफ एक्सपीरियंस करने दो, इस तरीके से तुम उसे दबा कर नहीं रख सकते। लंच पर फादर डेविड को सॉरी कहते हैं। डेविड ने जेड की मदर की बुक पढ़ी थी, उसे बहुत अच्छी लगी, पर मदर आज कुछ भी लिखती नहीं। यही पर वैकेशन के लिए इनके नेबर भी आ गए। इस बात को लेकर मदर अपसेट हो जाती है। इसका रीजन हमें बाद में पता चलेगा। रात में सारे मिलकर फायरवर्क्स जला रहे थे। इनके फायरवर्क्स खत्म हो गए तो यही लेने के लिए डेविड गैराज में गया। यहाँ पर ह्यू को अपनी नेबर के साथ मेकआउट करता देखता है। वो इस बात से बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। ह्यू को भी पता चल गया था कि डेविड ने उसे देख लिया है। अगले दिन उसे बात करने के लिए एक बोट पर लेकर गए। डेविड फादर से कहता है कि जो भी हुआ ये मैं जेड को नहीं बताऊंगा। ह्यू गुस्सा हो गया। वो कहता है कुछ भी हुआ नहीं। उसने उसे धमकी दी कि अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा बताया तो बहुत बुरा होगा। डेविड भी इस बात को मान लेता है, पर सिर्फ जेड को हर्ट ना करने के लिए। इसके बाद वो जरा डिस्टर्ब था तो जेड ये नोटिस करती है। ये दोनों हैंग आउट करने के लिए एक पार्टी में आए। इसी पार्टी में डेविड अपने फ्रेंड से मिलता है। डेविड का फ्रेंड डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ था। उसे कहता है, हम सब जाकर पार्क में हैंग आउट करने वाले हैं, वो वहाँ पर हाय होंगे। डेविड को ये सही नहीं लगता, पर जेड जाना चाहती थी तो उसकी फोर्स की वजह से वो भी उसके साथ चला गया। इन सब ने मिलकर वहाँ बहुत एंजॉय किया, पर डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड ये पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस के आने पर सब वहाँ से भागने लग जाते हैं। जब तक पुलिस को कोई मिल नहीं जाता तब तक वो उनका पीछा करते हैं, तो इसी वजह से डेविड पीछे रुक जाता है। उसने जेड को आगे भेज दिया। जेड घर आकर सब कुछ अपने फादर को बता देती है। फादर गुस्सा हो गए। वो कहते हैं, मुझे मालूम था कि वो बहुत ही घटिया लड़का है। जेड कहती है, प्लीज जाकर उसकी बेल करवा कर लाओ। फादर मान नहीं रहे थे तो जेड ने कहा कि आप जो भी कहोगे ये सब करने के लिए मैं रेडी हूँ। फादर उसे फिर उस इंटर्नशिप को लेने के लिए फोर्स करते हैं। फादर ने फिर डेविड को बेल करवा दिया। उसे कहते हैं, तुम्हारे और जेड के बीच में जो भी था अब सब कुछ खत्म हो चुका है, वो अब तुमसे कभी भी मिलना नहीं चाहते।
डेविड इस पर बिलीव नहीं कर पाता। फादर ने कहा कि वो इंटर्नशिप भी लेने वाली है। तुम्हारे और उसके बीच में जो भी प्यार था ये कभी भी सच नहीं था। तुम उसे खुश नहीं रख सकते। तुम कभी भी जेड के लिए इनफ नहीं होंगे। तुम्हारे फादर भी तुम्हारी मदर के लिए इनफ नहीं थे। इसी वजह से उसने अफेयर किया। इस बात से डेविड बहुत गुस्सा आ जाता है। उसने ह्यू को पंच कर दिया। घर आकर ह्यू ने जेड को अपनी चोट दिखाई। एक्चुअल में जो हुआ था वो नहीं बताया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड अपने फ्रेंड के साथ था। जो भी हुआ डेविड ने उसे बताया हुआ है। उसका फ्रेंड कहता है वैसे भी वो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड अभी भी तुमसे प्यार करती है। उसने उसे यहाँ बुला लिया था। ह्यू और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फिर बात करने लग गए। जेड डेविड से मिलने के लिए आई थी और इन दोनों को उसने साथ में देख लिया। इस बात से वो गुस्सा हो गए। डेविड उसके पीछे भागा। कहता है तुम्हें जो लगा वैसा कुछ भी नहीं है। जेड ने डेविड का हाथ देखा और वो कहती है ये सच है, तुमने मेरे फादर को मारा। ऐसा उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सच ही तो बोला। डेविड कहता है अगर तुम्हें सच मालूम होता तुम मुझे अलग नजरों से देखती। वो ये नहीं चाहता था। जेड गुस्सा हो गई थी तो ह्यू कहता है मुझे मालूम था तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी, जैसा सब लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं हूँ। वो भी गुस्से में यहाँ से जाने लगता है। जेड अब जब घर जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया। डेविड उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब फादर को यह सब बात पता चली तो डेविड के फादर को उन्होंने बुला लिया। डेविड के फादर से कहते हैं कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है, डेविड अब जेड के आसपास आ नहीं सकता। डेविड के फादर ने कहा डेविड ने कुछ भी गलत नहीं किया है। ह्यू कहता है अगर तुम्हारा बेटा मेरे बेटी के पास भी आया तो तुम पर मैं केस करूंगा, तुम्हारे पास जो भी है इस सब कुछ चला जाएगा। थोड़े दिनों बाद जब जेड ठीक हुई तो डेविड से मिलने के लिए आई। टोर को फादर ने आंसर किया। फादर कहते हैं मैं मेरे बेटे से तुम्हें मिलने नहीं दे सकता, तुम्हारी वजह से वो ट्रबल में आ सकता है, तुम्हारा मिलना अब सही नहीं। अब इसके बाद जेड अपनी इंटर्नशिप के लिए चली जाती है। डेविड जेड को भुला नहीं पाता। वो काउंसिलर के पास भी जाता है पर सिर्फ उसकी फीलिंग्स कन्फर्म हो गए कि वो जेड से बहुत प्यार करता है। एक दिन फादर ने उसे बात की तुम आजकल कर क्या रहे हो, वो हमेशा सिर्फ जेड के ख्यालों में डूबा रहता है। उसने कहा मैं उसे इस तरीके से छोड़ नहीं सकता, उसे बहुत प्यार करता हूँ। फादर कहते हैं तो फिर जाओ और उसे पालो। डेविड ने कहा कि उसके फादर आपको बर्बाद कर देंगे। फादर कहते हैं ऐसे लोग मेरे लाइफ में बहुत आए, कोई भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। डेविड फिर एक दिन जेड की मदर से मिलता है, उसे उसके बारे में पूछता है। डेविड ने जो भी किया इसके लिए उसने जेड की मदर को सॉरी कहा। मदर कहती है कि जेड का अब नया बॉयफ्रेंड है, वो उसके साथ खुश है। वो थोड़े दिनों बाद घर आने वाली थी। एयरपोर्ट पर ही डेविड जेड का वेट करता है। उसने उसे गले लगा लिया, सॉरी कहा। वो कहता है मेरे पास दो टिकट है, अगर तुम चाहो तो हम कहीं भी जा सकते हैं, मैं तुमसे मूव ऑन नहीं कर सकता और मुझे नहीं लगता कि तुम भी मुझे भुला सकते हो। वो उसे पूछता है कि जिसे तुम डेट कर रही हो या मेरी तरह उससे भी प्यार करती हो। जेड कहती कि नहीं, उसे किस कर लेती है। आज रात ये दोनों यहाँ से भाग जाने वाले हैं। रात में जेड का ब्रदर उसके डेड ब्रदर के रूम में जाकर रिकॉर्ड सुन रहा था। ये सब फादर ने देखा और वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। ब्रदर समझाने की कोशिश करता है ये सिर्फ थोड़े से रिकॉर्ड्स है, आप हमेशा इन्हें संभाल कर नहीं रख सकते। ब्रदर को इस बात से गुस्सा आ गया। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो घर से निकल जाता है। जेड ने ये सब देखा और वो कहती है आप इस तरीके से हमारी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते। उसने बता दिया कि आज वो डेविड के साथ चली जाने वाली है। फादर बहुत ही गुस्सा हो गए थे। उन्होंने डेविड को घर के बाहर देखा तो डायरेक्टली बैट लेकर उसे मारने के लिए बाहर आए। जेड भी बाहर आकर उन्हें रोक लेती है। जेड के डेड ब्रदर के रूम में कैंडल जलाई हुई थी और इसी वजह से घर में आग लग जाती है। इस रूम में जो भी सब चीजें हैं ये फादर बचाना चाहते थे। जेड के लिए डेविड घर में चला गया। ह्यू को बचा लेता है। वो और भी चीजें लेने के लिए अंदर गया पर वापस आ नहीं रहा था। जेड उसके लिए बहुत रोए पर थोड़ी देर में वो वापस आ जाता है। फादर को अब अपनी गलती रियलाइज हुई। वो कहते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया, वाइफ पर चीट कर वाइफ को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को। वो डेविड से पूछते हैं क्या आप ज्यादा लेट हो चुका है। डेविड कहता है अभी भी आप सब कुछ ठीक कर सकते हो। फादर पर सब लोग गुस्सा थे। जेड अपनी एजुकेशन के लिए एक नई सिटी में जा रही थी। इस तरीके से अपने फादर को हर्ट कर वो नहीं जाना चाहती थी तो उसने उन्हें माफ कर दिया। एयरपोर्ट पर हम देखते हैं जेड और डेविड एक साथ है। डेविड ने भी फिर से एंट्रेंस एग्जाम दी, उसे अच्छे स्कोर्स आए, उसका भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। इन दोनों का वैकेशन था तो एक साथ स्पेंड करने वाले थे। डेविड जेड को एक जगह पर लेकर आया। यहाँ पर उसका ब्रदर और उसकी गर्लफ्रेंड ये दोनों शादी कर रहे थे। जेड देखकर सरप्राइज थे। डेविड का सरप्राइज उसे बहुत अच्छा लगा। मूवी के लास्ट में ये दोनों बीच पर हैं। इनका हाथों में हाथ है। जेड हमसे कहती है मेरा फर्स्ट लव बहुत ही स्ट्रांग था और ये कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ये मूवी एंड